हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका रेसिपी जोन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। बट यकीन मानिए, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। आप एक बार इस तरीके से रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर। आलू की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े साइज के आलू। मैंने पील ऑफ करने के बाद में कट कर लिया है। मैंने इसे इस शेप में कट किया है, आप किसी भी शेप में कट कर ले जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने छोटे पीसेज में कट किया है, आप बड़े पीस में भी कट कर सकते हैं। तो पील ऑफ करने के बाद में मैंने इसे कट कर लिया था और इसे पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ एक पैन में लगभग 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सरसों के तेल में ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरे को चटकने देंगे। जीरा जैसे ही चटक जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी डाल दें तो इसे भी मिक्स कर ले। तो प्याज को हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे हम इसे। हम इसे आलू के साथ भी कुक करने वाले हैं। प्याज को मैंने 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है और हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू और इसे भी डाल दें। मिक्स कर लेंगे इन्हें। मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसे कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे कि आलू सॉफ्ट हो जाए। हमें इन्हें 80% तक कुक कर लेना है। इस तरीके से जब आप ये सब्जी बनाएंगे तो गारंटेड बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लिया है और बीच बीच में इसे चला भी लिया था। तो इसे फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें और इसे मिक्स कर देंगे। क्या आपने कभी इस तरीके से आलू की सब्जी बनाई है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है सब्जी खाने में। मिक्स कर लेने के बाद में अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए है 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का कम इस्तेमाल किया है क्योंकि हरी मिर्च डालने से है ना सब्जी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची का ज़्यादा यूज़ किया है। इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो गैस का फ्लेम आप कम कर दें और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने दें 2 से 3 मिनट के लिए और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। तो 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। इसे फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो आप इसमें बस 1/2 गिलास ही पानी का ऐड करें और अगर आपको ये ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें 1.5 से 2 गिलास तक पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ये ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 2 गिलास। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ये मैंने घर पर ही बनाई थी। अगर इसकी वीडियो आपको देखनी है तो ये मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। तो 10 रुपये में आप ढेर सारी कसूरी मेथी घर पर बना सकते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद में अब हम इसे कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसे कवर कर दें और 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने दें। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्जी कुक हो गई है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो अब स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन अदरक कम खाते हैं, लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर दें, और अगर आप लहसुन अदरक खाते हैं तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसे ऐड करने से। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्जी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कटे हुए फ्रेश हरे धनिए के पत्ते और इसे मिक्स कर ले और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें चपाती पूरी पराठे के साथ में। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।